और वह उनकी पिता माता के लिए एक चिंता की बात होता है। In other words, what we are trying to say, that child at that age, that babe at that age, is in a perfection. और मैं इस उदाहरण से आपको मैं समझा रहा हूँ कि वो उस अवस्था में वो बच्चे का स्थिति जो है वो सिद्ध है। And now this is true about every stage of our own lives. वो इसी प्रकार हमारे जीवन की हर कदमों में ये वास्तविक है। In our spiritual progression, हमारे आत्मिक उन्नति में, we need to make sure that at every level of our spiritual growth, whichever level we all may be, God wants us to be ones who are pleasing God and are perfect in that aspect. या परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति में जिस स्तर में आज हम जिस अवस्था में या जिस स्तर में हम आज हैं उस अवस्था में उस स्तर में प्रभु की प्रसन्न करने प्रसन्न योग्य है एक सिद्ध रूप में रहने के लिए प्रभु हमारे विषय पर आग्रह करता है। But today what we see in the church world is the child is born, the next day he is seen with a bag and lot of tracks. और परंतु वर्तमान की मसीहत में हम क्या देखते हैं कल नए सिरे से जन्म पाया है दूसरा दिन झोले भरकर जो है और परछाएं और सुसमाचार की प्रतियां लेकर जाना शुरू ही इज गोइंग इनटू ऑल द वर्ल्ड और वो बोलता है मैं सारे विश्व में जाकर बचा व्हेन यू लुक एट द अर्ली चर्च जब पहले सदी के कलीसिया के जब इट वाज नॉट सो और ऐसा नहीं थे दे रिमेंड इन दैट लेवल दे लर्न दे वर सकिंग इन अ मिल्क इवन द वर्ड ऑफ गॉड दैट दे मे ग्रो एंड डेवलप देयर जो नया पहले सदी की कलीसिया में जब लोग वचन को सुनकर पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्मे हैं वो पवित्र आत्मा से वे और दूध पीते पीते सामर्थ पाए पाते रहते थे So beloved brothers and sisters, इस कारण प्रिय भाइयों बहनों, you know, in our spiritual life, हमारे आत्मिक जीवन में, you know, the Lord wants us to be perfect at every stage, that the Lord wants us to be those who please the Lord in the level, in that realm where we are at this moment of our spiritual growth.
जो हमारे आत्मिक उन्नति में yeah. जो अब वर्तमान के समय पर yes. जिस अवस्था में या जिस कदम में हम हैं उधर हम सिद्धता के रूप में रहे अर्थात हमारे जीवन प्रभु के प्रसन्न योग्य रहे यही प्रभु हमारे हर एक व्यक्ति के विषय पर जानता है. If one would like to do something more than that, it will bring in confusion and frustration in our spiritual life. और हमारे उस अवस्था से अधिक अवस्था के yeah. जो कार्य में हम फंस जाएं तो हमारे जीवन में गफलत हम भयभीत हो जाते हैं. So there is, this is known as progressive perfection. और ये जो है और बढ़ोतरी का और सिद्धता कह सकते हैं. At every level of our spiritual life, the Lord wants us to be those who please the Lord, who are obedient to the Lord, who are in that aspect perfect towards God. और प्रभु हमारे विषय पर चाहता है हमारे आत्मिक जीवन के हर कदम पर भी yeah. हम हमेशा प्रभु की आज्ञाकारी रहें प्रभु का हृदय को प्रसन्न करने का एक ही उद्देश्य से हम रहें. Now let me give the example of this child. और इस बच्चे के विषय पर एक उदाहरण देता हूँ. If this child has no disease, और यदि ये बच्चे को कोई बीमारी ना हो and it eats promptly, और वह अपने भोजन समय पर और अच्छी तरह खाते हैं and it drinks according to the times, और समय के अनुसार और बढ़ते वो अपने फल ले आता है. It's rest according to the kind of rest that child should have, और जो बच्चे जितना विश्राम करना है उस प्रकार विश्राम भी बच्चे and it exercises sufficiently, और जो उस अवस्था में जो उसकी शरीर की अभ्यास है इसी प्रकार I am sure that this child will grow, और मैं निश्चय जानता हूं किस प्रकार for some reason, और यदि किसी कारणवश the growth of the child is stopped, और यदि चौकी जो बढ़ाना बंद हो जाए then he is in a realm where he needs help, और वो उस स्थान पर उसकी स्वस्थता की आरोग्यता की आवश्यकता. We see that in a natural. और ये प्राकृतिक बातों में हम देखते हैं. Many children their growth is retarded at a stage. और यदि कुछ स्तर पर यदि किसी बच्चे का जो और शारीरिक जो प्रगति जो है वो कमजोर हो जाए या बढ़े नहीं तो and that child cannot really grow on to the maturity even in the natural, और प्रगति के रूप में और वो सिद्धता की और नहीं बढ़ सकते. Yeah, there is a retarding of that progressive growth. वो जो लगातार बढ़ने वाले उस उन्नति में कुछ बाधाएं आ चुके हैं. And so what is needed is that something should be done to rectify that problem in that child. वो क्यों वो अपने लगातार बढ़ने में क्या रुकावट हो गया उस रुकावट को समझकर कुछ इलाज भी करना पड़ेगा उस बच्चे के लिए. Now when we relate this with the church, और यदि इस बात को मसीह परमेश्वर के कलीसिया के साथ संबंध करने से you know, when the church was birthed on the day of Pentecost, जब पेंटिकॉस्ट के दिन में कलीसिया की जन्म हुआ it was birthed there and there we can see the church really eating the word or drinking the word. और उधर प्रेरितों से शिक्षा पाने का अर्थात परमेश्वर की वचन को वो दूध पीते आए. They were drinking of the spirit of God. जो परमेश्वर की आत्मा को वो पीते रहे. They exercised in the supernatural. और वे लोग वो दैविकता में और अपने अभ्यास करते हैं. They rested in the confidence of his power and his provision. और जो परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की देन में वे भरोसा रखते हुए काम करते. And when we look at the early church, जब पहले सदी की कलीसिया को जब when we look at the time that the church was birthed into this world, जो जब कलीसिया इस धरती पर जन्म हुआ we see that the church was really growing and developing. और वो कलीसिया जो है समय के अनुसार समय समय पर बढ़ते रहा और बल प्राप्त रहा. But then a time came, परंतु एक समय आया that the teachers and prophets went into poisonous doctrines. और जो कलीसिया की शिक्षक और भविष्यवक्ता जो है
दूसरे उपदेशों में जाने लगा. They took away the real diet for this church. और जो कलीसिया की जो सही भोजन को उतार दिया, निकाल दिया. There was no exercise of the spirit in the church. और जो आत्मा की किसी प्रकार की अभ्यास नहीं थे उधर. The supernatural manifestations were taken away. जो दैविक जो सामर्थ के काम जो है वह सब निकाल दिया गया. She was no more resting in God and His Word. और जो कलीसिया जो है परमेश्वर पर उसकी वचन पर वो निर्भर नहीं होती थी. And what we see is that the growth of the church was retarded. और इस प्रकार or hindered. जो कलीसिया की जो प्रगति है उसमें बाधा आई. The growth and the progressive maturing of the church was hindered after several years. और जो कलीसिया की उन्नति की और जो प्रगति थे वो बाधाएं आए और अंत में वो बिल्कुल रुक गया है. And what we see is, as we look at the church history, जब कलीसिया के इतिहास को जब हम देखते हैं, there was just enough truth for the church to remain alive, so weak without power. जो केवल वो कलीसिया केवल श्वास लेकर जीवित रहने के लिए ही थोड़ा ही अल्प भोजन या लहू भोजन थे उसके उपलब्ध थे कि वो भोजन खाएं जैसे लकवा मारे या सीरियस कैंसर पेशेंट और जिन जीवन की दिन काटते हैं वैसा कलीसिया पड़ी रही थी. So we see that the church was just alive. और कलीसिया केवल श्वास लेते ऐसे पड़ी रही. Until that time, the Lord sent forth His restoration in the 1500s. और 15वीं सदी में जब परमेश्वर ने जब अपने और से जो सुधार के हवा भेजा तब तक कलीसिया ऐसे ही पड़ी रही. We see that God's desire for the church was to continue on and progress on into the ultimate perfection. जो परमेश्वर की कलीसिया के विषय पर परमेश्वर के हृदय की आर्थिक इच्छा यही है कि वो कलीसिया जो प्रगति करते रहे जब तक उसकी आखिरी उद्देश्य की पूर्ण परिपूर्णता तक पहुंचे. As we have seen this morning, Satan knew that the Lord has given all the power to the church. जैसा आज सुबह हमने देखा कलीसिया अच्छी तरह जानता है परमेश्वर ने कलीसिया को सारे सामर्थ्य और अधिकार दिया है. But you know, devil refuses to acknowledge that he is defeated. और जो कलीसिया के सामने शैतान ये इकरार करना नहीं चाहता मैं हारा हुआ एक शक्ति हूँ. He has somehow blinded the church, as we have seen this morning. जैसा आज प्रातःकाल में देखा इसी प्रकार अपने युक्ति से अपने चतुराई से अपने दूरता से इस सच्चाई को देखने के लिए कलीसिया के आंखों को अंधा कर दिया. By keeping the church blinded, the enemy has been maintaining his position all these years. और जो कलीसिया को अंधेपन में रखकर शत्रु शैतान ने अपने स्थान को पक्का बनाकर रखा. You know, the enemy continually convinces the church and God's people that God's word doesn't really mean what it says in many portions. जो यहाँ तक कलीसिया को शैतान ने अंधेपन में रखा है कि कलीसिया ने परमेश्वर की वचन सच्चा है जो प्रभु ने हमें दिया है वो देने के पहले वो सही है कहकर विश्वास करने में वो असमर्थ बना दिया. The enemy has been really keeping the church blinded as we look at the history and we look at the word of God. जो परमेश्वर की वचन में और कलीसिया के इतिहास में जैसा देखते हैं शत्रु ने कलीसिया को अंधापन में डाल दिया. Many a time where the Bible says we can, the enemy says we can't. और जो परमेश्वर के वचन कहता है परमेश्वर के लोग ये कर सकते हैं परंतु शैतान हमारे कानों में आकर फुसफुसाता है तू कर नहीं सकता. When the Bible says we have many things, the enemy says you don't have them. जब परमेश्वर के वचन कहता है तेरे पास है जब शैतान हमारे कानों में आकर जोर से फुसलाता है तेरे पास कुछ नहीं है. I tell you, as long as the enemy can find some preachers and teachers who will go his way, he will keep the church in that condition, beloved. और जब तक वो शत्रु ने वो
जो उपदेशक और भविष्यवक्ताओं को अपने वश में रखकर वो कलीसिया को ये उपदेश करते रहे तो वो शैतान जो है और कलीसिया को इसी स्थिति पर ही रखे रहेगा। Now that is what we really see when we look into the history of the church. जो कलीसिया की इतिहास में जब देखते तो इसी वास्तविकता को ही हम देखते हैं। As we have seen this morning, God has really given His power and authority to the church. और आज प्रातःकाल जैसे हमने देखा परमेश्वर ने अपने कलीसिया को अपना अधिकार अपने सामर्थ्य दिया था। And surely the Lord has put all things under the feet of the church. जो परमेश्वर ने निश्चय रूप से और सारी बातों को कलीसिया की पांव को तले कर दिया था। But the enemy refuses to accept and acknowledge that. परंतु शत्रु जो है इस परमेश्वर की सच्चाई को अंगीकार करना या स्वीकार करना नहीं चाह रहा है। And by blinding the church, he is trying to maintain his position. और वो कलीसिया को अंधा करके अपने स्थान में जमकर शत्रु बैठा है। But beloved people of God, God is going to move again. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर फिर चलायमान होगा। God is going to restore her to her complete or ultimate perfection even in these last days. परमेश्वर निश्चय रूप से अपने कलीसिया को आखिरी सिद्धता या परिपूर्णता तक ले चलने के लिए मंडराएगा। The Lord is going to intervene in our lives. तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रवेश कार्य करेगा। God is really looking forward for His church to be united with His Son, the Lord Jesus. परमेश्वर अपने कलीसिया उसके पुत्र के साथ एक हो जाने का अपेक्षा करते रहता है। I just imagine like this. मैं इस प्रकार कल्पना कर सकता हूँ। As we see in the book of Acts, chapter 3 and verse 21, और प्रेरितों के काम अध्याय 3:21 पद में जैसा हम देखते हैं, we read that the heavens shall retain the Lord Jesus. और जो स्वर्ग जो है प्रभु यीशु मसीह को रोके रखना है। Until all that the Lord has spoken to the holy prophets are restored. और जो कुछ भी वो सब बातें जो परमेश्वर ने उनकी पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा चर्चा किया वो समस्त बातें पूरा होने समय तक। I imagine like this. मैं ऐसा कल्पना करता हूँ। And let me tell that to us this evening. मैं आप ही मैं घोषित करूँ इस संध्या काल। You know the in the heavenlies. और स्वर्गीय स्थानों में It looks like that suddenly there is an excitement. और एकदम एक उत्तेजित हुआ है। The angels were talking to one another. स्वर्गदूत एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। There was a busy movement of the angels up and down. और जो स्वर्गदूत का इधर उधर जाने का एक चलन हुआ। Gabriel and Michael, the archangels, came to the Lord Jesus. और जो गब्रियल और सब जो है वो प्रधान दूत के पास आया है। And they began to inquire the Lord Jesus, what is happening here? और प्रधान दूत के साथ और दूतों के गणों प्रभु यीशु मसीह के साथ बताकर ये क्या हो रहा है? What is this excitement in the heavenlies? जो स्वर्गीय स्थानों में ये क्यों उत्तेजना है? And the Lord Jesus says, और प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, I have been waiting for these times of restoration upon the earth. जो इस धरती पर इस विश्रांति का समय के लिए मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। I have been waiting to begin the times of restitution upon the earth. जो मैंने इस धरती पर मेरा सुधार के काम आरंभ करने के लिए मैं अपेक्षा करते रहता हूँ। And all the angels must have said to the Lord Jesus. और सारे स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा कहा होगा। Lord, when are you going to really join with your bride? और हे प्रभु, कब आप अपने दुल्हन के साथ एक साथ हो जाएंगे? We all are waiting for this event to be seen in our lives. तो हमारे जीवन काल में तेरे ब्याह को देखना चाहता हूँ। When are you going to leave the heavenlies and going to be one with your bride? वो
कब आपने स्वर्ग को छोड़कर अपने दुल्हन के साथ हमेशा राज्य करने के लिए धरती पर आप उतरेगा कहकर स्वर्ग लोग दूतों ने प्रभु से पूछ रहा। The word of God says, प्रभु की वचन कहता है, that God has preordained this from the foundations of the world. और प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से सारी बातों को पहले ही टकरा दिया। And all the angels are waiting to look upon this great, even beloved people of God. और सारे दर्क स्वर्गदूतों भी इस बात को ध्यान से देखता है। It is true, the angels have witnessed many, many things. ये वास्तविक बात है, स्वर्गदूतों ने कई बातों को उनकी आँखों से देखा है। The angels have witnessed. And seen how the Lord Jesus was birthed upon this earth. जो स्वर्गदूतों ने कैसा किस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने जगत पर जन्म हुआ उन बातों को स्वर्गदूत ने देखा। When he was born in this earth, the word of God said there was a great rejoicing and a singing in the heavenlies. जो जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर जन्म हुआ है स्वर्गदूतों ने मगन हुआ स्वर्गीय स्थानों में एक बड़ा आनंद की गीत गाया था। There were great declarations in the heavenlies. और स्वर्गीय स्थानों में एक बड़ा कोलाहल की घोषणा हुई। The angels participated, they rejoiced at that time. जो वो उस बातों में स्वर्गदूत ने भाग लिया और स्वर्गीय स्थान में वो आनंदित हुए। And then they have seen another thing happening. और दूसरे ये घटना हुई। And that was the death of the Lord Jesus on the cross. जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर जो मरने के अवसर पर। That was one of the greatest revelation or demonstration that they have ever seen in their lives. तो स्वर्गदूतों ने उनकी जीवन काल में ये बड़ा इस दृश्य को उन लोग ने देखा। They saw God's wonderful nature and character of love manifested there on the cross. जो परमेश्वर की और ये सुंदर और एक अद्भुत स्वभाव उसका जो महान प्रेम। When the Lord shall gather his people from the ends of the earth, he will shout a shout of jubilee, and we will sing a song of praise. In the strength of his right arm, and in all the labor bestowed, and then we will flow like a river unto him and his throne. Then we'll know who loved us so, and then we'll see eternally his love unfold untold. Then that river shall fill all the earth and flow out across all the land, and the waters thereof are for healing unto the nations of man, and then the kingdom of Christ shall be established in the top of the hill, and the people will flow unto Jesus, and of this there shall be no then we'll know who loved us.
soul, and then we'll see eternally His love unfold untold. And then loved us so, and then we'll see eternally that love unfold.